हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फल्ला की संस्कृत स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 13 करवा रहा हूँ, क्लास 6 की संस्कृत की। इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 12 तक की सारी वर्कशीट करवा चुका हूँ, और आज की जो वर्कशीट है ना, वो पार्ट 7 से मत्स्य प्रतिकार यानी कि बगुले का बदला भाग 1 है। ठीक है, इसका हम बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में तो हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 7 में ठीक है, आप फटाफट पढ़ लेते हैं। अच्छा, पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कॉपी पर करेंगे क्या क्या। देखिए, मैंने आंसर के साथ आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार कर आंसर के साथ आपके लिए करें। ठीक है, आप आराम से आंसर देख सकते हैं, हम समझेंगे भी। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, ओके, उसके बाद जो है तीसरा आपका ये है, ठीक है, और चौथा ये है। तो 4 क्वेश्चन है टोटल, अब फटाफट इसको करते हैं। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि कहानी क्या है। ठीक है, एकस्मिन वने श्रृंगाल बक च निवसत स्म, मतलब एक जंगल में सियार और बगुला रहते थे। ठीक है, आप देख लीजिए, ये जितने भी है ना, ये भूतकाल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीत चुका है, और ये जो आप पीले पीले कलर में देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अव्यय हैं। ठीक है, अव्यय मतलब होता है जो ना किसी लिंग के साथ, किसी वचन के साथ बदलते नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे अगर आप बोल रहे हैं, एक लड़का बोल रहा है, ठीक है, लड़की के बारे में कि मोहन पढ़ता है। ठीक है, और अगर हम एक लड़की के बारे में बोलते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मोहिनी, तो मोहिनी पढ़ता है बोलेंगे, मोहिनी पढ़ती है बोलेंगे, मोहिनी पढ़ती है बोलेंगे ना, तो ये जो है ना अव्यय नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन हो गए, इसमें क्या हो गया, चेंजेस आ गए हैं। लेकिन अगर आप एकदा मतलब एक बार, प्रातः मतलब सुबह, आप किसी के साथ भी लगा लें, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, ठीक है, लिंग में मतलब स्त्रीलिंग के साथ, ठीक है, पुल्लिंग के साथ, तो ये बदलेंगे नहीं। जैसे प्रातः मतलब सुबह होता है ना, सुबह राम आता है, सुबह रमा आती है, तो क्या सुबह का सुबह ही हो गया? नहीं हुआ ना। तो जो चेंज नहीं होते हैं ना, वो अव्यय कहलाते हैं। अब वापस हम चलते हैं कहानी पर। एक जंगल में सियार और बगुला रहते थे, एकस्मिन वने श्रृंगाल बकाचा निवसत स्म, ठीक है, रहते थे, भूतकाल है। तो अब आप ध्यान से देखना लास्ट के अक्षरों में कि जब भूतकाल होता है तो क्या चेंज दिखता है। आगे देखिए, तयो मित्रता आसीत, देखो अभी यहाँ पे भी आसीत है ना, उनमें मित्रता थी, तो भूतकाल है, मतलब जो बीत गया है। आगे कह रहे, एकदा प्रातः श्रृंगाला भकम अवदत मित्र श्व तुम मया सह भोजनम कुरु। उस देखो यहाँ पे जो श्व है ना, ये भविष्य काल के लिए होता है, कि कल आने वाले जो कल होता है उसे श्व कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला कि एक बार सुबह सियार बगुले को बोला, मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। ठीक है, तो फिर पता है, अब जो इतना मित्र बोल रहा है और कह रहा है भोजन करो, तो ये सामने वाला तो खुश होगा ना। तो देखो फिर क्या हुआ, श्रृंगार से निमंत्रण बका प्रसन्न अभवन, सॉरी अभवत। तो ये कह रहा है कि जब सियार ने निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया, ठीक है, भाई हो गई होगा, मैंने कहा ना, जब आपका दोस्त आपको बोल रहा है, बड़े प्यार से बोल रहा है, तो आप प्रसन्न होंगे होंगे, तो ऐसे ही वो भी बहुत प्रसन्न हो गया सियार। अग्रिम दिने स भोजनाए श्रृंगाल से निवासम अगच्छत, मतलब अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास को गया, मतलब उसके घर गया। देखो यहाँ पे लास्ट के बार देखते रहे ना, ये सब पास्ट टेंस को बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थालयाम बकाए शिरोदनम अयचत, मतलब पता है उसका जो स्वभाव था ना, वो कुटिल था, अंदर से ना एक तरह से मैला था। ठीक है, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए जो है ना, बिल्कुल भी जागरूक नहीं था, मतलब स्वार्थी था। कुटिल स्वभाव सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी, देख रहे हो थाली के अंदर, अभी इसकी चोंच कैसे खा पाएगी इसमें खाना, है ना बच्चों, कैसे खा पाएगी, अपने बच्चों ने भी कहानी सुनी होगी, सुनिए ना बच्चों, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे देखो, बकम अवदत च मित्र अस्मिन पात्र आवाम अधुना सहेव खादाव, और देखो उसने क्या बोला, और बगुले ने ना, ठीक है, ये बोला कि मित्र इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। कैसे खाएगा वो, कैसे खाएगा बच्चों को, और पता ना ये शिरोदनम का मतलब पता ना बच्चों, खीर को कहा जाता है। ओके, आगे देखिए फिर क्या हुआ, भोजन काले भकत से चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, मतलब क्या हुआ, देखो भोजन समय में
बगुले की जो थाली से भोजन लेने में समर्थ नहीं हुई, नहीं ले पा रही थी, फिर क्या हुआ, अतः बक केवलम शिरोदनम अपश्यत, तो इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। अतः का मतलब इसलिए, केवलम का मतलब क्या है, केवल, ये सब क्या अव्यय है जो येलो कलर में है, ठीक है। शिंगाल तू सर्वम शिरोदनम अभक्षयत, सियार ने तो सारी खीर खा ली, यार सारी की सारी जो खीर है वो खा गया, ठीक है बच्चों। ये हमने क्या करा, समझ लिया है। अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला जो है यहाँ पर विलोम शब्द है, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, वैसे तो बहुत इजी है, आप खुद भी मैचिंग कर सकते हो कि मित्रता का शत्रुता होता है, आंसर के साथ देखते हैं। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 डालिएगा और ये आंसर है, ठीक है। जैसे मित्रता का क्या होता है, शत्रुता, अगर ये छुपा हुआ दिख रहा है ना तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके आंसर देख लेना, ओके, मतलब क्वेश्चन उतार लेना, ओके। एकता का क्या होता है, सर्वदा, एकदम मतलब एक, सर्वदा मतलब, ठीक है, सारे, ठीक है, हमेशा। ऐसे प्रसन्न मतलब अप्रसन्न, मतलब प्रसन्न मतलब खुशी, अप्रसन्न मतलब दुख, ठीक है। और समर्था मतलब असमर्था, संतुष्ट असंतुष्ट, ठीक है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन वाला भी दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको जैसे कोई छुपा हुआ अक्षर दिख रहा है, ठीक है, तो आप आराम से पता लगा लेंगे, ओके। चलो दिखाते हैं, ओके, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से लगा देता हूँ, मित्रता का मतलब शत्रुता, ठीक है, ये ज़्यादा लाइन आगे चले जाते हैं ना, छिप जाते हैं। एकदा मतलब सर्वदा, ठीक है, अप्रसन्न मतलब अप्रसन्न, समर्थ मतलब असमर्थ, संतुष्ट मतलब असंतुष्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया ना, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बाहर की जो नोट आ रही है उसको इग्नोर करना प्लीज़, ओके। तो सेकंड है, अब देखो ये क्वेश्चन है, आंसर के साथ आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए आप आराम से देख सकते हैं, ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपके लिए नोट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कुत्र शिंगाल बक च निवसत स्म, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि शिंगाल और जो बक है ना, ये कहाँ पर रहते थे, ठीक है, ये भूतकाल के लिए। और याद रखना जब चा होता है ना, ये अव्यय है और ये हमेशा लास्ट में लगाया जाता है, लेकिन हिंदी में इसको पहले यूज़ किया जाता है, शिंगाल बक च, ठीक है, शिंगाल और बक जब हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है, कहाँ रहते थे, वने में रहते थे। उसके नेक्स्ट है, बक भोजनाय कस्य निवासम अगच्छत, जो बक है ना भोजन के लिए, ठीक है, किसके निवास स्थान पर गया था, तो शिंगालस्य, ठीक है, किस आएगा, शिंगालस्य के यहाँ गया हुआ था। नेक्स्ट है, शिंगालस्य निमंत्रण क प्रसन्न अभवत, शिंगाल ने जब उसे निमंत्रण दिया, ठीक है, उसे, तो आपको पता ना वो कौन है, किसको दिया निमंत्रण और कौन प्रसन्न हुआ, ठीक है, तो बकह कौन हुआ था, बकह हुआ था, ओके। उसके बाद शिंगाल बकाए किम अयच्छत, ठीक है, शिंगाल ने बक को जो है ना वो क्या दिया, मतलब क्या खिलाया, ठीक है, शिरोधनम, ठीक है, मतलब उसके आगे क्या लेकर आया था, खिलाया तो नहीं था, उसके आगे लेकर आया था शिरोधनम, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है ना, ये लाइन, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए थाली में बगुले के लिए खीर दी उसने, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद पांचवा है, क सर्वम शिरोदनम अभक्षयत, सारी की सारी जो शिरोदनम थी, खीर थी, वो किसने भक्ष ली, किसने खा ली, शिंगाला ने, शिंगाला ने खुद ही खा ली ना सारी, उसको मिल नहीं पाई उसकी चोंच थी, है ना। और आपको पता ना शिंगाल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सियार, और बाकों को क्या बोलते हैं, बगुला। देखो अभी मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से करवा दिया ना, ठीक है, और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है ना, उसको कराने से पहले थोड़ा सा ये समझ लो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा समझ लो। ये कह रहा है, जिन शब्दों के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। मैंने अभी आपको अव्यय समझाया था ना शुरू में, तो अब नहीं समझाऊंगा, तो शुरू में सुन लेना। यहाँ पे बाकी एग्जांपल दिया है कि जो बालक है, जब एक लड़का है तो बालक ने, ठीक है, बालका आ गया तो बालकों ने, बालिका आ गया, ठीक है। देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये अलग अलग हो रहे हैं ना, ठीक है, हो रहे हैं ना, ऐसे लड़कियाँ बालिका ने अलग हो रहा है ना, तो लिंग में अलग हो रहे हैं, तो वो अव्यय नहीं कहलाते। और जो लिंग में, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। मैंने कहा था नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ था, ओके। अपी, एकदा, ये सारे के सारे अव्यय हैं। जिसने बोला ना कि पाठ में आए अव्यय को देखें,
ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में ना, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है ना, ये बोला गया कि हमें सारे अव्यय लिखने हैं जो भी पाठ में आए हुए हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पे और बताई गई है कि अभी मैं आपको तीसरा कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा रुको। तो यहाँ पे बोला गया कि जो चा अव्यय है ना, इसकी खास बात है, इसका मतलब तो और होता है, लेकिन जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं, हिंदी में जो है ना लास्ट से पहले बीच में लगा जाता है। ये देखो, माता पिता चाहे, हिंदी में माता और पिता होगा, ऐसी राम कृष्ण शिव च, तो ये जो चा शिव से पहले लग जाएगा, राम कृष्ण शिव, याद रखना इस चा का यूज़, याद रखना बच्चों, याद रखना। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आपको कॉपी पर नोट नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, इसका आंसर के साथ दिखाया, दूसरा क्वेश्चन करा, आंसर और क्वेश्चन दोनों दिखाए। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसे देखिए, ठीक है। लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन जो है ना एक बार दोबारा से आंसर दिखा दूंगा सारे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं एक बार लास्ट में दिखा दूँगा। बच्चे ना वीडियो काट करके देखते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्पेशल, ओके। लेकिन समझा करो, इतने एफर्ट लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है पढ़ने में और बनाने में, ठीक है, वीडियो को, समझ रहे हैं ना। अब आंसर देखिए, थर्ड देखिए, मैंने पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल लिखा है, बाकी मैंने दिखा भी दिए कौन सा नोट करना है। इसने बोला अव्यय सारे ढूंढ दिए, तो मैंने आपके लिए पूरे के पूरे ढूंढ दिए, ठीक है। आप खुद भी रीडिंग करना, चा मतलब और, एक दा मतलब एक बार, प्रातः मतलब सुबह, शुभ मतलब होता है कल, सह मतलब साथ, अधूरा मतलब अब, ना मतलब नहीं, अतः मतलब इसलिए, केवल मतलब केवल, ठीक है। ये सारे के सारे अव्यय हैं, अच्छे से रट लें, याद कर लें, समझ लें, ठीक है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ जब पेपर हो। तो हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया ना, अब देखिए चौथा क्वेश्चन कौन सा है। चौथा क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, इसने बोला है कि इस पाठ में भूतकाल की बहुत सारी क्रियाएँ आई हैं, तो ये सारी की सारी क्रियाएँ इसने लिख दी हैं, अब कह रहे इसके मतलब बताओ क्या होंगे, ठीक है। आप पाठ में से भी आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जैसे ये लिखा ना अभक्षित, ठीक है, मतलब खा गया, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो ऐसे ही आप जो है, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए, देखिए ये हमारा है क्वेश्चन, मैंने आपके लिए लिखा है, उसके बाद आंसर देखिए। अवधत मतलब बोला, ठीक है, अभवत मतलब हो गया, अगच्छत मतलब गया, बाहर ना बारिश आ रही है तो इसलिए आपको साउंड आ रही होगी, ठीक है, थोड़ा लीड लगा के वगैरह सुन लेना। अयच्छत मतलब दी, ठीक है, अपचित मतलब देखा, अभक्षित मतलब खा गया, ठीक है। आप इसके आगे था भी लगा सकते हैं, बोला था, हो गया था, गया था, दी थी, नहीं तो आप इतना ही लिखें। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्कशीट में भी, जैसे यहाँ पर है ना अगच्छत तो गया, तो इसके आगे आप था भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो पेपर में आ गया, वहाँ गया था आ गया, तो आप कहें हमने तो सिर्फ गया पढ़ा था, तो था का क्या लिखें, वो उसी के अंदर समा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया ना। अब मैं आपको एक बार सारे आंसर दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए पहला था, ओके, ये दूसरा, ठीक है, आपके लिए पूरा पूरा लिखा है, फिर तीसरा, ओके, फिर चौथा, शुरू में भी दिखा दिए थे और अब भी दिखा दिए, और वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।